भाई रॉन्ग साइड क्यों चल रहा है भाई, जब उधर बना हुआ है। फिर भी भाई देख लो, ऐसे लोग होते हैं यहाँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और दिवाली मना लिया, दिवाली खत्म हो गया, दिवाली के नेक्स्ट डे है और मम्मी जा रही है छठ पूजा मनाने के लिए मौसी के घर, तो आज ही निकल रही है वो। और इसने मुझे सुबह सुबह छत पे जाके उठा दिया, मैं स्टूडियो में सोई हुई थी और सुबह सुबह जाके उठा रहा है कि मेरी मम्मी जा रही है रेडी होके तैयार होके, फिर मैं उठी हूँ। इधर पापा जी रोटी बना रहे हैं सुबह ही सुबह। ये मम्मी को लेट हो रहा था, 9 बजे की बस है, मम्मी को निकलना है तो पापा हेल्प कर रहे हैं रोटी बनाने में। और ये मम्मी रोटी खाने में खत्म और रेडी वेडी होके पूरा तैयार है जाने के लिए। बस मम्मी ने अपना बैग वैग पैक कर लिया है, एक ये बड़ा सा बैग और एक ये पर्स लेके निकल पड़ी है रेडी होके सुबह ही सुबह। पापा जा रहे हैं बैग लेके, मैं भी चलती हूँ। चलो जैकी का हालत खराब, जैकी को पकड़, भाग जाएगा। जैकी भाग गया था, पकड़ दादी जैकी का। दादी भी जा रही है छोड़ने के लिए था। उधर साइड से मामा और मामी आ रहे हैं और मम्मी जा रही है और यहीं पे बस आके लगेगी शायद। मम्मी यहाँ पे बस का वेट कर रही है और बस आने का नाम नहीं ले रहा। देखो देखो चेहरे पे खुशी, कितनी एक्साइटेड है बहन के घर जाने के लिए बरसों बाद। बाय मम्मी। ये बैठा है शिवम बस के आगे ही और ये मामा, मम्मी भी बैठ गई। बाय, गई मम्मी का बस। आज मम्मी गई है आज अपने बहन के घर पे। मंडे को या ट्यूसडे को मैं भी जाऊंगी, मैं और कॉम्बट दोनों जाएंगे बाइक से, अपनी केटीएम से जाएंगे। बस पापा जैकी को संभालेंगे हमेशा की तरह घर पे रह के। दादी और पापा रहेंगे घर पे। समीर का चलना देखो कैसे भाग भाग के जा रहा है, जैकी भौंक रहा है बेचारा जब से। जैकी चली गई नहीं है, आधे आधे बेचारा जैकी मिस करेगा मम्मी को बहुत ही। ये देखो गाइस गुस्से से मेरा ये चप्पल लेके भाग रहा है कि मम्मी को छोड़ के क्यों आई। दे चप्पल जैकी, दे। देखो देने का नाम, कटेगा ना चप्पल मेरा तो तुझे बताऊंगी फिर। मस्त काट रहा है, मम्मी तुझे छोड़ के गई है, मेरे पे गुस्सा दिखाएगा तू। सो मम्मी चली गई अपने सिस्टर के घर पे, तो मुझे ही किचन का सारा काम करना पड़ेगा। मेरे लिए बहुत सारा काम बढ़ा के गई है मम्मी, तो अभी मैं कॉम्बैट के लिए फ्राइड राइस बना रही हूँ। ओके तो गाइज अभी जो है कुछ टाइम जो है वो दोपहर के जो है 2 बज रहे हैं। मैं उठ गया था कुछ सुबह के 11 बजे ही, बट उसके बाद फिर मैं एडिटिंग करने लगा गेमिंग चैनल की और 2 बज गए। अभी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अब जो गाइज हम लोग जाएंगे अपनी दिन की शुरुआत करेंगे, देख लो गाइज कितना लेट होता है। बेसिकली देखो मैं रात को जो हूँ जल्दी सोने की कोशिश करता हूँ, बट फिर मैं सो नहीं पाता हूँ। और भी अब तो व्लॉग्स भी हो गए तो व्लॉग्स भी एडिट करने पड़ते हैं, लाइव स्ट्रीम, बहुत सारी चीजें होती है। बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह 9-10 बजे उठ जाऊं, बट 9-10 बजे उठ ही नहीं पाता। करेक्ट 11-11:30 इतने में उठता हूँ और सीधे फिर मैं यहाँ अपने कंप्यूटर पे बैठते हैं और भाई एडिटिंग शुरू कर देते हैं। और जब तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर लेता ना, जब तक भाई मैं ऐसे उठ के जाता नहीं हूँ। दादी भी आ गई, दादी मुझे जब से कह रही है कि खाना खा ले, बट जब तक वीडियो अपलोड नहीं होता जब तक मैं उठता ही नहीं हूँ। फिलहाल गाइस यहाँ पे जो है काजल हमारे लिए इडली लेके आई है। इडली कहाँ से आया, ये बेचने आया था, तो ये खाएंगे। अरे भाई ये लाइट कैसे हो रहा है, हेलो। ओ ये तो स्मार्ट बल्ब है ना, तो स्मार्ट बल्ब ये जो है ऐसी होता है अगर 2-3 बार बटन दब जाए तो। और गाइस यहाँ पे देखो काजल और दादी जो है मस्त धूप लेने के लिए यहाँ पे बैठे पड़े हैं। और इसको तो देखो, हेलो, ओहो क्या धूप ले रहा है मस्त एकदम। देखो गाइस यहाँ से सीधे धूप आता है तो क्या मस्त बैठ के धूप ले रहा है। ये नहा के आया है, बाल गीले हैं इसलिए सारे बाल सुखा रहा है। इधर देखो नजारा देख रहा है इस साइड से।
सो गाइस फिलहाल अभी लंच करते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हमने किया नहीं, एंड उसके बाद फिर मैं नहाऊंगा और कहीं जाना भी है, आज एक चीज लेने जाना है, तो बाइक से चलेंगे और मोटो ब्लॉग भी आज करेंगे, उसका सेटअप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आ जा इधर, आ गया पार्सल भाई, आ जा आ जा आ जा आ जा। क्या है? कुछ नहीं है इसमें, खाने की चीज थोड़ी है। तो गाइस अभी जो अमेज़न वाले भैया आए थे डिलीवरी वाले, वो हमें ये पार्सल दे के गए हैं। ये मैंने मंगवाया था क्योंकि जो हमने नया वाला मॉनिटर मंगवाया है ना, वो बस एक ही चल रहा है मेरे कंप्यूटर में, एक प्लग चाहिए था जो कि ये है वो, फिर दोनों चलने लगेंगे, तो अभी चलो चला के देखते हैं दोनों, अभी तक एक ही चल रहा था। सो गाइस तो अभी जो है टाइम जो है कुछ 1:45, अबे गलत टाइम है मेरे घड़ी में, कुछ जो गाइस 3:40 हो रहा है, 44 मिनट, और अभी जो मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ काम है, वो मैं काम जल्दी से निपटा के फिर जो है गाइस हमें स्ट्रीम भी करना है, तो फटाफट से पहले चलते हैं। बाय बाय जगी। बाहर घुमाइयो मत जैकी को भी। क्या जलेबी? अच्छा तो दादी की फरमाइश है कि जलेबी भी ले आइयो, तो चलो जलेबी भी ले आएंगे। अरे अरे बीच में क्यों खड़ी कर रखी है ये? अब जो है ना गाइस हमारा जो ये हाईवे है ना रोड, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, एंड तक उधर कंप्लीट हो गया जहां तक हमें मार्केट जाना है, बाकी पीछे का पता नहीं, पीछे कंप्लीट नहीं है। अब जो गाड़ियां सब अपनी अपनी साइड पे चलते हैं, जैसे कि उधर से जो आ रहा है वो उधर चलेगा और इधर से जो जा रहा है इधर चलेगा, बट पहले ऐसा नहीं था, चलो अब सही है। मैं ना बड़े दिनों के बाद गाइस मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो आज देखते हैं लोगों का रिएक्शन कैसा होने वाला है। मुझे भी थोड़ा सा ऐसे शरमाने वाली फीलिंग्स आ रही है, क्योंकि भाई लास्ट हमने मोटो व्लॉगिंग शायद से मुझे ऐसा लग रहा है 1 महीने पहले की थी, 1 महीने पहले मैंने हेलमेट पे कैमरा लगा के ऐसे घुमाऊंगा, उससे भी शायद से और पहले। भाई 105 105, मैं अभी तक इस वाली अपनी बाइक को जो है 110 से ऊपर लेके नहीं गया हूँ। आई डोंट नो ये जाती है या फिर नहीं जाती है, बट मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है और मुझे ट्राई भी नहीं करना है। भाई अच्छा हाईवे होगा तो ट्राई कर लेंगे, ऐसे रोडों पे नहीं, वरना क्या पता हाईएस्ट स्कोर बनाने के चक्कर में भाई हम हॉस्पिटल में मिले। अरे 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 भाई रॉन्ग साइड क्यों चल रहा है भाई, जब उधर बना हुआ है, फिर भी भाई देख लो ऐसे लोग होते हैं यहाँ। अब मैं जो जिसे ऐसे देखूंगा ना, मैं उसको रोक के भाई पूछूंगा, भाई पब्लिक कभी नहीं सुधरने वाली है गाइस, भले उनके लिए सरकार कितनी अच्छी हाईवे बना दे, कुछ भी बना दे। ये देख लो भाई एक और नमूना, अगर मैं ऐसे गिनवाने लगा ना आपको तो गाइस मैं 100 बंदे गिनवा दूंगा रॉन्ग साइड चलने वाले। अरे ये लो हमारे व्लॉग की सबसे मेन चीज, ये वाला फाटक बंद होना है उसको, जब भी मैं यहाँ पे आऊंगा, अभी टी टी बज रहा है, मैं जैसे ही वहां पे पहुंचूंगा बंद हो जाएगा। देखना, अरे निकल सकता हूँ। थैंक यू अंकल जी, आज रिकॉर्ड मेरा गाइस टूट चुका है, हमको रुकना नहीं पड़ा, हम लोग निकल लिए वहां से। तो गाइस अभी कुछ ऐसा है कि 5:30 बज गए हैं और अपना काम भी हो चुका है, बट एक सीन हो चुका है गाइस, मेरी जो थोड़ी सी तबीयत सही नहीं लग रही है, पता नहीं अजीब सा ही लग रहा है, फीवर टाइप का, तो मैं जो अभी सीधे यहां से निकल रहा हूं गाइस और सीधे घर पे मिलते हैं, शायद से मैं व्लॉग नहीं कर पाऊंगा रास्ते में, भाई पता नहीं यार अलग ही सीन हो गया। चलो घर पे चल के बात करते हैं, बाकी यहां से घर जो गाइस कुछ 10 किलोमीटर दूर है। अरे यार ये लाइट भाई, चलो